Students, hello students. Today we are going to start the second chapter of fundamental of insurance, that is life insurance. First of all, what is the meaning of life insurance? What is life insurance? Life insurance is a contract between the insured and the insurer. It is also called life assurance. एंड दी लाइफ पॉलिसीज आर दी लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स. यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो लाइफ पॉलिसी आप लेते हो, जो पॉलिसीज लाइफ इंश्योरेंस के अंडर प्रोवाइड की जाती हैं, वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट का काम करती हैं. एक कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच? इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच. ये एक तरह से फाइनेंशियल कवर प्रोवाइड करता है डेथ के केस में, डिसेबिलिटी के केस में, एक्सीडेंट है, रिटायरमेंट है, फ्यूचर नीड्स है. तो एक तरह से लाइफ इंश्योरेंस सेव करता है एक इंडिविजुअल को फाइनेंशियली, कि अगर उसकी डेथ हो जाती है या वो डिसेबल हो जाता है, मतलब वो एक ऐसे सिचुएशन में आ जाता है जहां अब वो फ्यूचर में कमा नहीं सकता. लाइफ इंश्योरेंस वाज बेसिकली स्टार्टेड इन इंडिया अबाउट 100 ईयर्स बैक एंड इन द वर्ल्ड इन मॉडर्न फॉर्म इन 706 इन लंडन एंड इन इंडिया इट केम फ्रॉम इंग्लैंड. तो इंडिया में जो आप कह लीजिए पहले लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत तो हो चुकी थी, पर फॉर्मली अगर हम बात करें तो ये इंग्लैंड से आया था 1818 के अंदर. तो लाइफ इंश्योरेंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है. ये एक फाइनेंशियल कवर प्रोवाइड करता है इन द केस ऑफ द डेथ, डिसेबिलिटी, एक्सीडेंट, रिटायरमेंट एंड फ्यूचर नीड्स. आपको पता है कि किसी भी ह्यूमन की वैल्यू या वैल्यू ऑफ अ पर्सन लाइफ कैन नॉट बी काउंटेड. हम किसी की लाइफ की वैल्यू को काउंट नहीं कर सकते मनी टर्म्स में कि भाई अगर ये बंदा है तो इसकी लाइफ की क्या वैल्यू होगी. नो. लेकिन फिर भी कहता है कि आपको बहुत सारे फ्यूचर के नुकसान होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं अगर किसी की डेथ हो जाती है. तो कहते हैं उस सिचुएशन को हमें हेल्प करने का काम क्या करता है लाइफ इंश्योरेंस. अगर एक इंडिविजुअल अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा कर गया है तो उसकी फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है. नेक्स्ट कहते हैं कि अगर हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस की तो इंडिया में इसकी ग्रोथ कैसे हुई. तो बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस आप कह लीजिए इंडिया में 1938 से प्रॉपर एक एक्ट की फॉर्म में स्टार्ट हो गया था जब लाइफ इंश्योरेंस एक्ट बना. और इसके अलग अलग फेजेस आए. फर्स्ट इज़ दी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस. सबसे पहले जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ है इन 1884, और इसका मेन जो एम था ये था कि भी पोस्टल डिपार्टमेंट में जितने भी इम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना. लेटर ऑन ये जो टेलीग्राफ डिपार्टमेंट होता है यहाँ पर भी एक्सटेंड किया गया. फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इम्प्लॉयज़ ऑफ लोकल बॉडीज़ हो गए, RBI के, बैंक्स के, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के, एक तरह से हर एक डिपार्टमेंट तक फिर ये इसको एक्सटेंड किया गया कि हर एक एम्प्लॉय को इसका बेनिफिट मिले. और रूरल एरियाज़ में इसे स्टार्ट किया गया इन 1995, और इसको नेम दिया गया दैट इज़ रूरल PLI, कि भी रूरल एरियाज़ में भी अगर कोई अपना इंश्योरेंस कराना चाहता है तो वो करवा सकता है. नेक्स्ट आया दैट इज़ द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. 1956 की अगर हम बात करें उससे पहले बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ भी थी जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती थी, लेकिन इन 1956 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को इस्टैब्लिश कर दिया. और सिर्फ LIC ही काम करती थी एज अ लाइफ इंश्योरर. ठीक है. और इसका बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा. दैट मीन्स अदर सेक्टर्स के लोग अलाउड नहीं थे लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस को करने के लिए. दैट मीन्स प्राइवेट सेक्टर्स नहीं थे, लेकिन प्राइवेट इंश्योरर्स जो पहले काम करते थे फिर उन्हें बीच में बंद कर दिया गया आफ्टर LIC इनकॉरपोरेशन. लेकिन इसके बाद कहता है LIC ने 1999 तक बिल्कुल सोल लाइफ इंश्योरर के रूप में काम किया. भी लाइफ इंश्योरेंस कौन प्रोवाइड करता था? सिर्फ LIC. लेकिन 1999 में IRDA आया. ठीक है. दैट इज़ दी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. और इन्होंने 2000 में एक लॉ लेके आए थ्रू IRDA, जिसमें इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर दिया गया. प्राइवेट प्लेयर्स, दैट मीन प्राइवेट बिजनेसमैन्स भी इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकते थे. और इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस में एक बहुत ही ज़्यादा बूम आया, बहुत ज़्यादा ये बढ़ा. और अगर हम अब देखें तो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं जो ये बिजनेस कर रहे हैं. तो ये थ्री फेजेस थे जो एक तरह से इंडिया में ग्रोथ शो करते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस को.
नेक्स्ट आता है व्हाट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड बाय ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. तो ये क्या कहते हैं कि लाइफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, इसमें क्या कहता है, जो बंदा इंश्योरेंस कर रहा है ठीक है, वो क्या करता है, अपनी सारी की सारी चीज़ें बता देता है कि भाई ये हमारे पास कुछ पॉलिसीज हैं अवेलेबल है ठीक है. अब इसमें बात आती है, कहता है जो अपना इंश्योरेंस करवाना चाहता है ठीक है, वो एक तरह से उन सारी चीज़ों को कंसिडर करता है और ऑफ़र करता है किसको, इंश्योरेंस कंपनी को या इंश्योरर को, कि भाई मैं ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता हूँ. और फिर उसके बाद इंश्योरर इसे एक्सेप्ट करता है उसके ऑफ़र को, और फिर एक्सेप्टेंस के बाद उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. यानी कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कब शुरुआत हुआ, जब जो बंदा इंश्योरेंस करवाना चाहता है उसने ऑफ़र किया इंश्योरर को, इंश्योरेंस कंपनी वाले को, कि भाई मेरा इंश्योरेंस कर दो आप, मुझे ये वाली जो पॉलिसी है ये पसंद है. तो कहते फिर ये एक कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. तो कहते यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं, ऑफ़र भी है, एक्सेप्टेंस भी है एज़ पर दी लॉ. इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस में जो भी आप कह लीजिए बिजनेस होता है, जो भी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है दोनों पार्टीज़ की. नेक्स्ट कहते हैं कंसिडरेशन. कहते हैं कोई भी एग्रीमेंट है वो लीगली बाइंड होता है तभी जब उसमें कोई ना कोई कंसिडरेशन हो ठीक है. तो लाइफ इंश्योरेंस की हम बात करें तो जो इंश्योर्ड है वो यहाँ पर क्या पे करता है, प्रीमियम पे करता है एज अ कंसिडरेशन, कि भाई जो प्रॉमिस इंश्योरर ने की है इंश्योर्ड को कि भाई मैं तुम्हारे लॉस को रिकवर करूँगा ठीक है, तुम्हें अगर किसी भी टाइप का लॉस होता है एज इन केस ऑफ फैमिली हेल्थ लाइफ का लॉस होता है तो उसे मैं इंडेमनीफाई करूंगा, उसकी क्षतिपूर्ति मैं करूंगा, और उसके लिए वो उसे प्रॉमिस करता है और बदले में उसे क्या मिलता है, प्रीमियम. प्रीमियम यहां पर क्या है, कंसिडरेशन ठीक है. नेक्स्ट इज लीगल कैपेसिटी. लीगल कैपेसिटी की अगर हम बात करें, वन शुड बी लीगली कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द इंश्योरर. ये क्या कहता है कि भाई आप अगर मतलब लीगली कॉम्पिटेंट होने चाहिए, कोई भी हम कह लीजिए माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता. जैसे किसी भी इंडिविजुअल की एज 18 है या ठीक है 18 से कम है, या फिर वो इनसेन है पागल है, तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है किसी एग्रीमेंट में एंटर होने के लिए, वो लीगली बाउंड नहीं होगा. तो कम से कम 18 साल उसकी उम्र होनी चाहिए और वो मेंटली स्टेबल होना चाहिए, तभी एक एग्रीमेंट माना जाता है. तो लीगल कैपेसिटी दोनों पार्टीज़ की होनी चाहिए ठीक है. जैसे अगर हम बात करें इंश्योरर की, तो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए कि वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कर बना सकता है. नेक्स्ट इज़ दी मेच्योरिटी वैल्यू. मेच्योरिटी वैल्यू देखिए क्या कहता है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली एक मेच्योरिटी वैल्यू होती है जो या तो डेथ के केस में पे की जाती है या फिर आप कह लीजिए ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी. तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो अमाउंट आप कह लीजिए पे करते हो ठीक है, फाइनली एज अ पेमेंट, एज अ जो अमाउंट पे किया जाता है इन केस ऑफ द डेथ और इन केस ऑफ दी मेच्योरिटी. तो यहाँ पे कह रहा है मेच्योरिटी वैल्यू क्या है, वो अमाउंट है जो पहले डिसाइड हो चुका है कि कितना अमाउंट पे किया जाएगा. और वो कैसे डिसाइडेड होता है, और अब एक तरह से आप कह लीजिए जो इंश्योरर है इंश्योर्ड है उसके एक तरह से रिस्क को कंसिडर करके ये डिसाइड किया जाता है. एक लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आपको जो अमाउंट पे करना है वो चाहे डेथ हो या ना हो, आपको पे करना ही करना पड़ेगा. या तो या डेथ के केस में पे करोगे या फिर वो मेच्योरिटी यानी कि जितने साल के लाइफ इंश्योरेंस उसने करवाया था वो पूरा हो चुका है तो फाइनली आप उसको पेमेंट कर दोगे. इसीलिए कहा जाता है कि जो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनीफिकेशन या इंडेमनिटी ठीक है. जबकि दूसरे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दे आर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी यानी कि क्षतिपूर्ति के कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं होते, पे करना ही करना है चाहे नुकसान हो या ना हो. नेक्स्ट आता है दैट इज़ द इंश्योरेबल इंटरेस्ट. क्या कहते हैं कि एक पर्सन का ये आपका प्रिंसिपल भी आपने पढ़ा था कि भाई प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट की कोई भी इंश्योरेंस करवा रहा है तो उसका इंटरेस्ट उस पर्सन में होना चाहिए. उसको कुछ अगर हो जाएगा जिसका इंश्योरेंस करवाया जा रहा है तो फर्स्ट पर्सन को लॉस होना चाहिए किसी भी वे में, फाइनेंशियली या अदर. तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के केस में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो ज़रूरी होता है. इट शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द पॉलिसी इज टेकन. जब पॉलिसी ली गई है तब इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना
जाना चाहिए, बल्कि ये ज़रूरी नहीं कि जब आप क्लेम ले रहे हो, डेथ हो गई है, तो उस टाइम उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो, पहले होना चाहिए। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट के आपको कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ कि क्या होता है। जैसे एक हस्बैंड का इंश्योरेबल होता है इंटरेस्ट इज ही वाइफ, वाइफ का हस्बैंड में होता है, हस्बैंड का वाइफ में होता है, एक फादर का अपने बच्चों में होता है, एक क्रेडिटर का डेटर में होता है, एक पार्टनर का अपने दूसरे पार्टनर्स में होता है अगर आप जॉइंट बिजनेस कर रहे हो, एक एजेंट का अपने प्रिंसिपल में होता है जिसके अंडर वो काम कर रहा है, जो उसे पैसे पे कर रहा है फॉर हिज सर्विसेज, ठीक है। लास्ट इज़ द गुड फेथ। गुड फेथ में क्या कहता है, जो लाइफ इंश्योरेंस है वो वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ की, यानी कि दोनों इंश्योर्ड और इंश्योरर एक दूसरे से गुड फेथ में डील करें, एक दूसरे को ऑनेस्टली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। इंश्योर्ड जिसका इंश्योरेंस करवाया जा रहा है वो सही बताए कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री कैसी है, पर्सनल डिटेल, लाइफ स्टाइल हैबिट कैसी हैं, जबकि इंश्योरर सही सारी इन्फॉर्मेशन बताए रिगार्डिंग टू दी पॉलिसीज, रिगार्डिंग टू दी क्लॉजेज इन दी कॉन्ट्रैक्ट एंड द क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें बतानी होती हैं। तो दीज आर दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट आपका कहता है दैट इज़ दी एक्टिविटीज़ ऑफ दी लाइफ इंश्योरेंस। देखिए एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो एक्टिविटीज़ में क्या कहता है कि क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं शुरुआत से लेकर अंत तक, जब तक एक लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं हो जाता बिटवीन दी इंश्योर्ड एंड दी इंश्योरर। तो सबसे पहले आता है टू ऑब्टेन एप्लीकेशन और प्रपोजल फॉर्म। जो एजेंट्स होते हैं या डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो अपने प्रोस्पेक्टिव बायर को अप्रोच करते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि हमारे पास ये पॉलिसी अवेलेबल है, ये डिफरेंट प्लान है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो जो बायर है वो समझता है, उस प्लान को चूज़ करता है जो उसके हिसाब से बिल्कुल सही है और उस प्रपोजल फॉर्म को फिल करता है, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें भरता है और उस कहते हैं उसके बाद जो प्रपोजल है, जो प्रपोजल आया है, ऑफ़र आया है किसकी तरफ से, प्रोस्पेक्टिव बायर की तरफ से, इंश्योरर उसे एग्जामाइन करता है इन दिस सेकंड पार्ट, दैट इज़ टू एग्जामाइन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिसीजन ऑन प्रपोजल एंड अंडरराइटिंग। अब कहते हैं यहाँ अंडरराइटिंग का मतलब क्या है, अंडरराइटिंग वो प्रोसेस को कहा गया है जब आप उन एप्लीकेशंस को एग्जामाइन करोगे ये इंश्योर करने के लिए कि यहाँ पर रिस्क कितना है, ठीक है, कि जो आप कह लीजिए कॉस्ट ऑफ कवर है जो आप उसे प्रोवाइड करोगे अमाउंट इन द केस ऑफ मिसहैपनिंग, ठीक है, वो रिस्क के अकॉर्डिंग है या नहीं। इन दैट मीन्स आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन की पर्सनल रिस्क सब कुछ सारी चीज़ों को आप एनालिस यहाँ पर करते हो, उसकी मेडिकल हिस्ट्री देखते हो। नेक्स्ट इज़ द टू इशू द पॉलिसी डॉक्यूमेंट। इसके बाद कहता है जैसे ही आप सेटिस्फाई हो सारी चीज़ों से, जो प्रपोजल हमें आया है किसकी तरफ से, इंश्योर्ड पर्सन जो इंश्योरेंस कराना चाहता है, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव बायर की तरफ से, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है, सारे एग्जामिनेशन करने के बाद, और फिर उसे पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है जिसमें सारी टर्म्स और कंडीशन लिखी होती है रिगार्डिंग दी एग्रीमेंट, ठीक है। एक तरह से एविडेंस का काम करती है ये पॉलिसी, ठीक है, जो हम इंश्योर्ड पर्सन को देते हैं कि भाई उसके पास एविडेंस है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और जो भी रिस्क है सारे टर्म्स कंडीशन इसमें मेंशन होती हैं। नेक्स्ट इज द टू कीप साइट ऑफ कंडीशन। यहाँ पे क्या कहते हैं, जो भी पार्टीज़ हैं दोनों की दोनों एक दूसरे की टर्म्स और कंडीशंस को क्या करें भी एक तरह से ऑनर करें, वो फॉलो करें उस चीज़ को कि भी जो इंश्योर्ड पर्सन है वो रेगुलर उस प्रीमियम पे करे, ठीक है, और जो आप कह लीजिए इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने जो चीज़ें बोली हैं वो अपनी पूरी करें ऑन दी टाइम। लास्ट इज़ टू अटेंड दी अदर रिक्वायरमेंट ऑफ़ दी पॉलिसी होल्डर। इसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अदर एक्टिविटीज़ करती है, अभी किसी और को किसको नॉमिनी बनाना है तो नॉमिनेशन, असाइनमेंट, सरेंडर कैसे, पेमेंट कैसे होगी क्लेम की, ठीक है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ बताई जाती हैं। और इसके बाद जो भी आप ये कह लीजिए एक तरह से एडिशनल एक्टिविटीज़ भी होती हैं इंश्योरेंस कंपनी की भी, वो अकाउंट को मेंटेन करके रखती है, फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करती है, उस पर आप कह लीजिए अलग अलग पर्सन्स को हायर करती है, तो मतलब वो एक अलग चीज़ आ गई। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि ये एक्टिविटीज़ लाइफ इंश्योरेंस में होती हैं कि सबसे पहले प्रपोजल फॉर्म्स दे बताए जाएंगे, वो फिर प्रपोजल आएंगे, फिर उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू किए जाएंगे और जो भी टर्म्स कंडीशंस हैं वो दोनों पार्टीज फॉलो करेंगी। एक यहाँ पर साथ में क्या कहता है कि व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ये यहाँ पर मैंने इसके लिए अलग से एक स्लाइड नहीं बनाई है, तो बेसिकली हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के। तो सबसे पहला अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स आपके होते हैं दैट इज़ सबसे पहला इंश्योरेंस कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव है, कंपनीज़ की बात हो रही है ना कि लाइफ इंश्योरेंस की पर्टिकुलर। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ के ऑब्जेक्टिव होते हैं कि वो लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस को रूरल एरिया
एरियाज और हर जगह तक पहुँचाएँ जहाँ पर इंश्योरेंस की ज़रूरत है, ठीक है, और साथ ही साथ उन लोगों तक पहुँचाएँ जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। एक एडिक्यूएट फाइनेंशियल कवर प्रोवाइड करें अगेंस्ट दी डेथ एट अ रीजनेबल कॉस्ट, यानी कि लो प्रीमियम लेकर एक अप्रोप्रिएट रिस्क कवर आप प्रोवाइड करो। लोगों को हेल्प करें उनकी सेविंग्स को मोबिलाइज करने में और इन्वेस्ट करने में, ठीक है, और जो फंड्स कलेक्ट हुए हों उन्हें एक अच्छे मैनर में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें इन्वेस्टर्स के पास, ताकि नेशनल प्रायोरिटीज़ जो नेशनल डेवलपमेंट है हम उसको भी ध्यान में रख सकें, और ऐसे इंश्योरेंस प्लान ऑफर करें जो कम्युनिटी के लिए नीडेड है, ठीक है। इस तरह के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट इज, यहाँ पर आपकी दो चीज़ें और होती हैं, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में देखिए आपका, अगर हम बात करें कि भाई क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, तो दो ही प्रिंसिपल्स होते हैं इंश्योरेंस के, लाइफ इंश्योरेंस के बेसिकली, जो मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ इन दी लाइफ इंश्योरेंस, अलग अलग जो हमने प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे उसके अंदर। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के क्या, लाइफ इंश्योरेंस के बेसिकली दो ही प्रिंसिपल्स आपके होते हैं। द फर्स्ट इज़ दी प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये है आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट का आपका सबसे पहला, आप कह लीजिए होता है, ये आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। एंड द सेकेंड इज द एटमोस्ट गुड फेथ, एटमोस्ट गुड फेथ, एटमोस्ट गुड फेथ, तो ये आपके दो बेसिकली प्रिंसिपल्स होते हैं लाइफ इंश्योरेंस के, और हम इन दोनों चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ कंसिडर नहीं किया है। नेक्स्ट आपका आता है, दैट इज़ दी पार्टीज़ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। पार्टीज़ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पार्टीज़ होती हैं और उनके क्या क्या राइट्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आती है दैट इज़ दी पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर बेसिकली ओनर होता है पॉलिसी का, ही इज़ द पर्सन हु टेक द पॉलिसी इन हिज ओन नेम इन द मोस्ट ऑफ द केसेस। यहाँ पे कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉलिसी होल्डर अपने खुद के लिए पॉलिसी लेता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पॉलिसी होल्डर वो हो, उसने पॉलिसी ली है लेकिन इंश्योरेंस किसी और का करवा रखा हो, यानी कि लाइफ एश्योर्ड किसी और की है। जैसे एक फादर है वो अपनी बेटी के लिए ले सकता है, अपने बेटे के लिए ले सकता है, ठीक है। इन द केस की भी आप कह लीजिए माइनर है वो, तो वो खुद ले रहा है उनके लिए, ठीक है। तो जो पॉलिसी होल्डर है वो एलिजिबल होता है पॉलिसीज़ में सारे चेंजेस करने के लिए, ठीक है, कि बेनिफिशियरी कौन होगा, अमाउंट है उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। तो राइट्स क्या होते हैं पॉलिसी होल्डर के सबसे पहले, तो राइट्स अगर हम बात करें तो राइट्स आपके होते हैं पॉलिसी होल्डर के, दैट इज़ दी राइट टू ट्रांसफ़र द ओनरशिप राइट, वो ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकता है, प्रोविजंस में चेंज कर सकता है, पॉलिसी को प्लेज कर सकता है, गिरवी रख सकता है, ठीक है, बोरो कर सकता है अगेंस्ट द पॉलिसी, पॉलिसी को कहीं पर गिरवी रख के पैसे, ठीक है, बोरो कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, सरेंडर कर सकता है, नेम बेनिफिशियरी का चेंज कर सकता है, मतलब वो हर एक चीज़ डिसाइड कर सकता है। नेक्स्ट इज ड्यूटीज़ उसके क्या हैं, भी प्रीमियम टाइम पर पे करे, कुछ भी अगर चेंजेस होते हैं अगर वो चेंज करना चाहता है तो वो बता दे पहले ही, और जो भी अगर डेथ हो जाती है या कुछ इवेंट हो जाता है अनसर्टेन तो उसको भी इन्फॉर्म करे टू द कंपनी। नेक्स्ट आता है लाइफ इंश्योर्ड। लाइफ इंश्योर्ड हमने देखा ना, दो पॉलिसी होल्डर कौन, खुद की लाइफ इंश्योरेंस भी करवा सकता है किसी और के भी, तो जो लाइफ इंश्योर्ड है वो कौन है, लाइफ इंश्योर्ड इज़ दैट पर्सन हुज लाइफ इज इंश्योर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, इन द इवेंट ऑफ द डेथ द अमाउंट ऑफ द क्लेम इज पेड टू द बेनिफिशियरी। तो यहाँ पे लाइफ इंश्योर्ड कोई भी हो सकता है। अब जैसे देखो एग्जांपल ले लेते हैं, फादर ने पॉलिसी होल्डर है, फादर ने इंश्योरेंस करवाया, किसका, अपनी बेटी का करवाया, ठीक है, लेकिन बेनिफिशियरी कौन हो सकता है, मदर को भी बना सकता है, खुद भी बन सकता है। तो यहाँ पर आ गया लाइफ इंश्योर्ड कौन है, जिसका इंश्योरेंस करवाया गया है, ठीक है, और लाइफ इंश्योर्ड जिसकी भी की गई है वो ज़रूरी है कि इंश्योरेंस कंपनी को सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही प्रोवाइड करे। तो इसकी ड्यूटीज़ क्या है आपकी, भाई फॉर्म को सही फिल करे, दैट मीन्स विद अ गुड फेथ सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ठीक है, इंश्योरेंस की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो उसके हिसाब से उन्हें सिलेक्ट करे, अमाउंट ऑफ प्रीमियम सिलेक्ट करे, ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी में अमाउंट प्रीमियम पे करेगा, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, एनुअली, वो डिसाइड करें, नॉमिनी वो किसे रखना चाहता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट है जो नेसेसरी, ठीक है, वो प्रोवाइड करें इंश्योरर को, पॉलिसी बॉन्ड को सही से संभाल के रखे, रिसीव करे उसे, है, और प्रीमियम में कोई लैप्स ना करे कि एक महीने का भर दिया नेक्स्ट नहीं भरा, इस तरह से ना करे, अगर वो कोई चेंज करवाना चाहता है तो वो चेंज करवा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका राइट्स क्या है इसके, लाइफ इंश्योर्ड के राइट्स हैं कि भाई
अगर वो पॉलिसी को सरेंडर करना चाहता है तो विद इन से मान लीजिए आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली पर आप उसको नहीं रखना चाहते, 15 आने वाले 15 दिनों में आप उसको सबमिट कर सकते हो, सरेंडर कर सकते हो, कोई वो नहीं है, ठीक है। आप क्लेम रिसीव करने का भी जो राइट है वो है लाइफ इंश्योर्ड को, ठीक है। मनी बोरो कर सकता है अगेंस्ट दी लाइफ पॉलिसी, ठीक है। स्विच कर सकता है फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टू यूलिप, ठीक है, जो अलग अलग पॉलिसीज़ हैं उनमें चेंज कर सकता है, बेनिफिशियरी का नेम चेंज कर सकता है, नॉमिनेशन चेंज कर सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो वो और बोनस रिसीव करेगा फ्रॉम द इंश्योरर, तो ये लाइफ इंश्योर्ड के। नेक्स्ट इज़ द पेयर। पेयर कौन है? जो पर्सन प्रीमियम पे कर रहा है दैट इज़ दी पेयर। नॉर्मली तो जनरली जो पॉलिसी होल्डर होता है, ठीक है, और इंश्योर्ड होता है और पेयर होते हैं वो सेम ही होते हैं, पर ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। लाइक इन केस ऑफ अ फादर एंड अ सन, फादर है वो पॉलिसी होल्डर है, वही पे कर रहे हैं, जबकि जो बेटा है, ठीक है, वो लाइफ इंश्योर्ड की गई है उसकी। तो पेयर कौन है वो अलग है, तो अलग भी हो सकता है, ठीक है। पर पॉलिसी होल्डर तभी कोई पॉलिसी परचेज कर सकता है जब उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो किसी और में जिसका वो इंश्योरेंस करवा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज द बेनिफिशियरी। नेक्स्ट इज द बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी इज द वन हु इज नेम और ऑथराइज टू रिसीव द प्रोसीड ऑफ डेथ क्लेम। भी डेथ का क्लेम जो रिसीव करने के लिए है, ठीक है, उसको हम कहते हैं बेनिफिशियरी। लाइक नॉमिनी तो कौन होता है? जिसका नेम आपने गिवन है तो वो भी कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन किस में? बेनिफिशियरी में। बाद में अगर डेथ का केस आ जाता है तो इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो यहाँ बेनिफिशियरी जो ऑथराइज है टू रिसीव द प्रोसीड ऑफ द डेथ क्लेम, द बेनिफिशियरी मे बी अ प्राइमरी कंटिजेंट स्पेसिफिक एंड क्लास बेनिफिशियरी, रिवोकेबल और इरिवोकेबल। ये अलग अलग टाइप्स आ गए आपके बेनिफिशियरी के। अगर हम प्राइमरी और डायरेक्ट बेनिफिशियरी की बात करें तो जो डायरेक्टली रिसीव करता है अमाउंट को इन द केस ऑफ डेथ, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। नॉमिनेशन हम देते हैं उस बंदे का नाम जिसको अगर इन केस ऑफ डेथ पेमेंट की जानी चाहिए। अगर डेथ नहीं होती है तो बंदे को रिसीव नहीं होगा नॉमिनी को, वो नॉमिनी ही रहकर रह गया। अमाउंट किसे मिल गया? इन द केस ऑफ द मेच्योरिटी जो पॉलिसी होल्डर है उसे। लेकिन अगर डेथ हो जाती है तो नॉमिनी किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बेनिफिशियरी में, ठीक है, तो उसको पेमेंट की जाती है। तो यहाँ कह रहा है प्राइमरी जिसे डायरेक्ट पे की जाएगी इन द केस ऑफ द डेथ, ठीक है। अगर प्राइमरी बेनिफिशियर है जो वो अलाइव नहीं है उसकी भी डेथ हो जाती है तो कंटिजेंट बेनिफिशियरी हम कहते हैं वो रिसीव करता है। स्पेसिफिक बेनिफिशियरी हम कहते हैं जिसका नेम है वो स्पेसिफिक कर रखा है, ठीक है। भी एक बंदा है, एक ही का नाम है तो स्पेसिफिक बेनिफिशियरी कहलाएगा। क्लास ऑफ बेनिफिशियरी जब कई लोगों का नाम दे रखा है, दो तीन लोगों का नाम दे रखा है या बच्चों का नाम दे रखा है। रिवोकेबल बेनिफिशियरी जिसका नाम आप कभी भी बेनिफिशियरी की लिस्ट से हटा सकते हो। इरिवोकेबल जिसको आप नहीं हटा सकते एक बार कंसर्न देने के बाद। राइट्स क्या है बेनिफिशियरी के? कि वो एक रिसीव करेगा लमसम अमाउंट, इनकम टैक्स फ्री पेमेंट इन केस ऑफ द डेथ, ठीक है। इन केस ऑफ लाइफ इनकम ही हैज द राइट टू रिसीव द गारंटेड पीरियोडिक पेमेंट। पीरियोडिक पेमेंट उसको मिलेगी अगर आपने ऐसी इंश्योरेंस करवा रखा है जिसमें पहले अमाउंट पे करनी है या फिर बाद में अगर कर रहे हैं तो पीरियोडिकली कर रहे हैं। बेनिफिशियरी हैज द राइट टू चूज हाउ टू डेथ बेनिफिट शुड बी पेड। उसको राइट है, वो चूज कर सकता है भी एक साथ लेना चाहता है या इन पीरियोडिकली लेना चाहता है। बेनिफिशियरी नॉट नीड टू गो फॉर अ प्रोबेट प्रोसेस। प्रोबेट प्रोसेस आपका क्या होता है कि जो बेनिफिशियरी का नाम अगर डायरेक्टली गिवन है इन केस ऑफ द जो उसमें पर्टिकुलर लाइफ इंश्योरेंस के केस में है तो उसको किसी भी कोर्ट के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा। कोर्ट के थ्रू विल या अलग चीज़ें नहीं देखनी पड़ेगी क्योंकि डायरेक्टली उसका नेम गिवन है, ठीक है, और अपनी मर्जी से वो सारे फंड्स को यूज़ कर सकता है जो उसे एज अ क्लेम रिसीवर। ड्यूटीज़ क्या है? टू फिल द क्लेम फॉर्म एंड सबमिट टू द इंश्योरर। भाई उसको क्लेम फॉर्म भरना पड़ेगा पहले जब इन केस ऑफ द डेथ, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है टू हैंड ओवर द पॉलिसी डॉक्यूमेंट विद द क्लेम। डॉक्यूमेंट आपको हैंड ओवर करने पड़ेंगे। सबमिट हिज और हर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। डीज क्या है बेनिफिशियरी की हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें क्या कहता है कि हैंड ओवर द पॉलिसी डॉक्यूमेंट फॉर द क्लेम टू प्रूव दैट द इंश्योर्ड इज डेड एंड टू प्रूव दैट द डेथ इज हैपन बाय द रीजन अदर देन एक्सक्लूडेड अंडर द पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि भाई उसी रीजन की वजह से हुई है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप ऑफर करोगे तभी आपको क्लेम मिलेगा। एंड द लास्ट इज दी, तो प्रेयर हो गया आपका बेनिफिशियरी, एंड द लास्ट इज दी इंश्योरर। इंश्योरर कौन होता है? जो पर्सन आपको एक तरह से इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखा है, हु अंडरटेक टू इंडेमनीफाई द इंश्योर्ड
or undertake to pay the sum assured. It may be a company, it may be an association or a partnership. Indian insurance companies mein insurer ka matlab hai, which is formed and registered under the Companies Act 1956, in which the aggregate holding of equity shares by foreign companies either by itself or through its subsidiary companies or its nominee do not exist 49%. Lekin ab jo hai foreign direct investment 100% ho gayi, to ye cheez nahi aa rahi. Wholesale purpose is to carry out the life insurance. Bhi aapka pura purpose kya hai, bhi life insurance business ko lena. राइट्स क्या होते हैं इंश्योरर के, कि वो सारी की सारी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उसे प्रोवाइड की जाए, वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है हेल्थ जिसका इंश्योरेंस करवाया जा रहा है, ठीक है. अमाउंट रिसीव करेगा प्रीमियम का. द कंपनी हैज़ टू राइट द कैंसिल द पॉलिसी इन केस, अभी आप कह लीजिए विद इन टू ईयर्स में वो कैंसिल भी कर सकते हैं अगर उन्हें ये पता चलता है कि उन्हें झूठी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की गई, ठीक है. इंश्योरर को राइट होता है कि वो रिजेक्ट कर सकता है प्रपोजल को किसी भी रीज़न की वजह से. उसे राइट होता है कि भी वो जान सके कि अगर चेंज आपने अपना जगह की है, रेजिस्टेंस किया है, ऑक्यूपेशन की है, जो भी चेंजेस अगर आपकी लाइफ में हुए हैं तो आपको बताने होंगे, ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका ड्यूटीज़ क्या हो सकती हैं. ड्यूटीज़ आपकी होगी इंश्योरर की कि भाई वो क्लैरिफाई करे सारे के सारे प्रोज एंड कॉन्स रिलेटेड टू अ पॉलिसी, सारे के सारे क्लोजेज और कंडीशंस को अच्छी तरह से बताए, नॉमिनेशन भरवाए पॉलिसी में अंदर, ठीक है. असाइनमेंट है जो उसका, अगर वो कहीं किसी पॉलिसी होल्डर किसी और को असाइन कराना चाहता है पॉलिसी तो उसको रजिस्टर करे, ठीक है. पॉलिसी बॉन्ड की कॉपी पॉलिसी होल्डर के उसके एड्रेस पर भेजे, रेगुलरली उसे प्रीमियम से रिलेटेड नोटिस भेजे, ठीक है. ये सारी की सारी आप कह लीजिए अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो नॉमिनी को सही टाइम पर अच्छी तरह से पेमेंट करे. तो ये बहुत सारे अलग अलग हैं जो इंश्योरर की ड्यूटीज़ होती हैं. सो दीज आर द पार्टीज़ विच आर इन्वॉल्व इन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस. नेक्स्ट आता है आपका दैट व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ टर्म पॉलिसी, ठीक है. कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. तो इसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है. दैट इज़ दी फर्स्ट इज़ द जनरल कंडीशन एंड द सेकेंड इज़ द स्पेसिफिक कंडीशन. तो अगर हम जनरल कंडीशंस की बात करें तो ये हमारे पास है. द फर्स्ट इज़ द एज. एज की हम बात करें तो कहता है जो इंश्योरर है वो कैलकुलेट करके चलता है रिस्क को, प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से पहले कि भाई कितना रिस्क मुझे आ सकता है अगर मैं इसको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करता हूँ. तो इसीलिए कहता है कि एक करेक्ट एज प्रूफ आपको आपको देना होगा, ठीक है. आपकी एज ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, एज़ पर यू गिवन इन द प्रपोजल आपने जो बताई है, ठीक है. उसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, तो आपको बिल्कुल करेक्ट एज अपनी भरनी होगी, ठीक है. अगर मैक्सिमम से ज़्यादा जितनी उसने लिमिट प्रोवाइड की अगर आपकी एज उससे ज़्यादा है तो आपकी पॉलिसी को कैंसिल आउट कर दिया जाएगा. नेक्स्ट इज़ द सुसाइड. कहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस जब भी किया जाता है तो जिस बंदे ने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है अगर वो सुसाइड कमिट कर लेता है, चाहे वो इनसेन हो, मतलब आप कह लीजिए वो बिल्कुल सही था या कैसे था, ठीक है. तो विद इन वन ईयर अगर वो कर लेता है, ठीक है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको ये राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या मानेगी, वॉइड मानेगी, ठीक है. और जो बेनिफिशियल है, ठीक है, बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइडेड नहीं किए जाएंगे, ठीक है. अगर प्रोवाइडेड भी किए जाते हैं तो वो एक बिड वैल्यू के बेसिस पे किए जाते हैं जो उस तारीख तक माने जाएंगे कि भाई हाँ आज तक इसकी वैल्यू इतनी बनती है तो इतनी ही पे की जाएगी. ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई कई बार क्या होता है कि लोग है ना एक्चुअल में पॉलिसी ले लेते हैं भाई इसलिए कि भाई मेरे मैं मर जाऊँगा तो मेरे के सारे जो क्रेडिट हैं, जो पैसा मैंने उधार ले रखा है वो इंश्योरेंस से पे हो जाएगा, या धोखाधड़ी भी करने की कोशिश करते हैं. तो इसीलिए ये चीज यहां पर बनाई गई है, ठीक है. नेक्स्ट इज़ दी स्पेशल प्रोविजन. स्पेशल प्रोविजन्स में क्या कहता है कि एनी स्पेशल प्रोविजन सब्जेक्ट टू विच द पॉलिसी हैज़ बीन एंटर्ड इन टू वेदर एंडोर्स्ड इन द पॉलिसी और इन एनी सेपरेट इंस्ट्रूमेंट शैल डीम टू बी अ पार्ट ऑफ द पॉलिसी. अगर आपने कोई अलग से प्रोविजन ऐड करवाया है इन योर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो आप उसको अलग से भी लिखवा सकते हो, इंश्योरेंस पॉलिसी में भी ऐड करवा सकते हो. नेक्स्ट इज़ दी नॉन डिस्क्लोजर. कहते हैं कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पार्टीज़ ने छुपाई है, दोनों पार्टीज़ ने, इंश्योरर ने, इंश्योरेंस लेने वाले ने भाई, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो कंपनी है उसे राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दे, वो उसे रिजेक्ट कर सकती है और कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करेगी एज पर द सेक्शन 45 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938. नेक्स्ट कहते हैं नोटिस. कहते हैं जो भी नोटिस है, डायरेक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं पॉलिसी के अकॉर्डिंग, कहते हैं वो बहुत ही ज़रूरी है कि डिलीवर किए जाएं थ्रू अ मेल, पोस्ट कह लीजिए, या फिर ईमेल के थ्रू आप उन्हें या बाय हैंड भी पहुंचा सकते हो, ठीक है.
नेक्स्ट कहते हैं कि इन द केस ऑफ द पॉलिसी होल्डर लाइफ इंश्योर्ड एंड असाइनी, कहते हैं कि और वो कहाँ भेजा जाएगा, एज पर द इंफॉर्मेशन जो हमें पॉलिसी होल्डर ने पहुँचाई दी है वहीं पर नोटिस जाएंगे, उसी जगह पर जाएंगे, और अगर कोई एड्रेस में चेंज है तो वो बताना पड़ेगा। नेक्स्ट कहता है फॉरफीचर एंड कैंसलेशन। फॉरफीचर एंड कैंसलेशन में क्या कहता है, अगर प्रीमियम्स को रेगुलरली पे नहीं किया जा रहा है और इससे रिलेटेड कंट्री कंडीशंस हैं पॉलिसी में वो पहले से ही मेंशन थी, और अगर ये पता चला कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपने दे रखी है इन द स्टेटमेंट इन द प्रपोजल और द डॉक्यूमेंट यू हैव अटैच्ड विद द इंश्योरेंस पॉलिसीज टू द इंश्योरर, देन इन दैट केस एज पर सेक्शन 45 जो पॉलिसी है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा और जितना अमाउंट आपने पे किया है उसे फॉरफिच कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी को बने हुए 2 साल हो जाते हैं तो उसके बाद 2 साल होने के बाद कंपनी कुछ नहीं कर सकती, उससे पहले अगर उसके नोटिस में आता है तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लोन। लोन कहता है कि लोन अगेंस्ट द पॉलिसी डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द पॉलिसी, ठीक है। नॉर्मली लोग एंडोमेंट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट ही लोन लेते हैं, जैसे नॉर्मल जो पॉलिसीज़ हम सुनते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। नेक्स्ट इज़ द फ्री लॉक पीरियड। फ्री लॉक पीरियड क्या होता है कि अगर आपने इंश्योरेंस करवा लिया लेकिन अगर आपके माइंड में अचानक आता है कि नहीं मुझे नहीं इंश्योरेंस करवाना ये और आप अमाउंट पे कर चुके, तो विद इन 15 डेज आप जो रिसिप्ट है पॉलिसी के आप क्या कर सकते हो, अपना अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा और आपकी जो पॉलिसी है वो कैंसिल कर दी जाएगी, तो ये एक राइट होता है। नेक्स्ट आज द मॉडिफिकेशन, कहता है कि आप पॉलिसी में एक बार बनने के बाद उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है, जो बन गई है वो बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट इज द अगर वो इशू हो चुकी है तो। नेक्स्ट आता है असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन। असाइन करना, जब आप किसी अदर पर्सन को अपनी पॉलिसी का टाइटल ट्रांसफ़र करना चाहते हो, अपने राइट और इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो उसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑफ अ पॉलिसी। नॉमिनेशन, जब आप उसमें कोई नॉमिनी ऐड करते हो जिसको आप इन द केस ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन द अमाउंट ऑफ द क्लेम कैन बी गिवन, तो उसे हम नॉमिनेशन कहते हैं। तो इसमें क्या कहता है, एन असाइनमेंट ऑफ अ पॉलिसी शुड बी मेड by endorsement upon the policy itself or by signing a separate instrument। आप चाहो तो पॉलिसी पर साइन करके उस पर्टिकुलर बंदे को आप असाइन कर सकते हो या नॉमिनेशन उसको अपनी पॉलिसी असाइन कर सकते हो। अगर एक सेपरेट इंस्ट्रूमेंट भी आप बना सकते हो कि भाई मैं इसे नॉमिनी बनाना चाहता हूँ, तो आप ऐसा कर सकते हो। नॉमिनेशन फॉर्म्स दिए जाते हैं जो लाइफ इंश्योरेंस में, आप उनको भी भर सकते हो। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी। कोई भी पर्सन है जो मेजर है, 18 साल से ऊपर है, एलिजिबल है, वो एंटर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और किसी और के लिए अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो तो उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज द मेडिकल एग्जामिनेशन। इंश्योरेंस कंपनी को ये राइट होता है कि वो मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकती है ऑन अ पैनल डॉक्टर्स के थ्रू भी, ठीक है, बिफोर एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, प्रपोजल एक्सेप्ट करने से पहले। नेक्स्ट इज द रिवाइवल ऑफ द लैप्स्ड पॉलिसी। इसमें कहते हैं कि लैप्स्ड पॉलिसीज कौन सी होती हैं जो आपने प्रीमियम पे नहीं किया और वो लैप्स आउट हो चुके हैं, लेकिन कहता है कि कुछ सर्कमटेंसेस में पॉलिसी होल्डर को ये राइट होता है कि अगर वो प्रूफ दे दे कि भी उसकी हेल्थ है वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है, बिल्कुल सही है, उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो और आपने बीच में जो प्रीमियम नहीं पे किए हैं, ठीक है, आप वो पे करना चाहते हो, तो उन प्रीमियम के साथ अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट आप जमा कर सकते हो और आपकी जो पॉलिसी लैप्स हो गई थी उसे फिर से अप्रूव कर दिया जाता है और फिर से रीस्टार्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज द करेंसी। इंडिया में अगर हम देखें तो आप इंडियन करेंसी में ही जो प्रीमियम है, जो भी अमाउंट है, चाहे वो प्रीमियम का हो चाहे वो क्लेम का है, वो इंडियन रुपीज़ में ही, इंडियन करेंसी में ही पे किया जाएगा। नेक्स्ट इज द पेमेंट ऑफ द क्लेम। कहते जो भी नॉमिनी है, लीगल हायर है, वो कंपनी को क्या करेगा, क्लेम के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन की जिसके अगेंस्ट जिसका वो नॉमिनी था उसकी डेथ हो चुकी है, इंटीमेट करेगा कंपनी को एज सून एज पॉसिबल, मैक्सिमम विद इन 180 डेज, 6 महीने के अंदर अंदर या 180 डेज के अंदर आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना ही करना है। और आप क्या डॉक्यूमेंट दोगे, क्लेम प्रूफ ऑफ द एंटाइलमेंट, आप उसके क्लेम हो, आप नॉमिनी हो, ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट दोगे, ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट दोगे, मेडिकल क्योर्स क्या रहा डेथ का, ठीक है, और विच शुड बी साइन बाय द डॉक्टर हु हैज़ लास्ट अटेंडेड दैट पर्सन और द लाइफ इज शॉर्ट, कॉपी ऑफ द FIR, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये सब आपको देना है और कंपनी को भेजना है विद द क्लेम फॉर्म। नेक्स्ट इज द लॉस ऑफ द पॉलिसी डॉक्यूमेंट। अगर पॉलिसी डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो जो कंपनी है वो डुप्लीकेट कॉपी पॉलिसी डॉक्यूमेंट की इशू कर सकती है, पर कब करेगी, जब आप उसे एक रिटर्न रिक्वेस्ट दोगे, ठीक है, कि भाई और उसके लिए एक फीस भी चार्ज करेगी कि भाई मुझे एक डुप्लीकेट कॉपी इशू की जाए, मेरी ओरिजिनल कॉपी गुम हो चुकी है। नेक्स्ट इज दी एम्ब्यूजमेंट। एम्ब्यूट्समेंट में क्या कहता है कि अगर पॉलिसी होल्डर और जो
नॉमिनी है, ठीक है, जब क्लेम का सेटलमेंट किया जा रहा है वो सेटिस्फाई नहीं है इंश्योरेंस कंपनी के डिसीजन से, ठीक है, वो लोग तो वो अप्रोच कर सकते हैं इंश्योरेंस एम्ब्यूड्समेंट्स को. इनका क्या काम होता है कि अगर दोनों के बीच में अगर सहमति नहीं हुई तो यहाँ पर आप शिकायत कर सकते हैं और फिर वो लोग वहाँ पर देखेंगे कि भी इंश्योरेंस कंपनी ने जो डिसीजन लिया वो सही था या नहीं था. नेक्स्ट इज़ द गवर्निंग लॉ, कहता है सारे के सारे जो डिस्प्यूट्स हैं इंश्योरेंस कंपनीज से रिलेटेड, लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड, वो सारे के सारे एज पर द इंडियन लॉ और इंडियन कोर्ट्स में ही सेटल आउट किए जाएंगे, बाहर नहीं किए जाएंगे. तो ये सारी क्या है, कुछ जनरल कंडीशंस थी जो ऑटोमेटिकली होती हैं, मानी जाती हैं, गिवन होती हैं इन दी डॉक्यूमेंट्स और इन दी कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट आता है आपका जो हमने बात की थी, दैट इज द स्पेसिफिक कंडीशंस. स्पेसिफिक कंडीशंस में सिंपली ये कहता है स्पेसिफिक कंडीशंस वो कंडीशंस होती हैं जो पॉलिसी टू पॉलिसी डिफर करती हैं, ठीक है, कोई भी पर्सन उन्हें ऐड भी कर सकता है ना भी करवाए, वो डिपेंड करता है ऑन द कंपनी एंड ऑन द पर्सन हु इज टेकिंग द लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है. तो ये थे आपकी कुछ टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए रिलेटेड टू द लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, लाइफ इंश्योरेंस क्या है, किन किन स्टेजेस से ये फेजेस से ये पास आउट हुआ है, टाइप्स क्या हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू. और बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द असाइनमेंट ऑफ द पॉलिसीज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें. थैंक यू.